all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know. वेलकम टू अवर चैनल वीर सट्टा। आज हम आपके पास लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू होंडा सिटी का, जो कि गगन जी की है। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। गगन जी, वेलकम। तो बॉस, ये गाड़ी आपने कब ली थी? 2017 मैं 2000। अच्छा, इससे पहले आपके कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी थी? इसके पहले मेरे पास है पोलो और ऑटो 800 पोलो 100। हाँ, पोलो तो VW तो सेकंड कार है। सेकंड कार है। कोई स्पेसिफिक रीजन होंडा सिटी जाने में? क्योंकि इस सेगमेंट में आपका 3-4 गाड़ियाँ आती हैं, तो आपने आई थिंक सारी गाड़ियाँ देखी होंगी इस सेगमेंट की। मैंने सियाज, वरना और ये तीन गाड़ियों का रिव्यू देखा था। इन कंपैरिजन टू ऑल द स्पेसिफिकेशन, इफ आई एम गोइंग टू द वन ऑफ द बेस्ट कार्स, इट विल लैग स्पेस इफ यू आर सीइंग द बैक साइड एंड द फ्रंट साइड, केबिन साउंड व्हेन यू आर ऑन द फास्टेस्ट स्पीड एंड यू आर टेकिंग फुल्ली म्यूजिक और एवरीथिंग, इट इज टू कंप्रेस देम इन अ सेफ्टी मैनर। सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस कार। इफ यू सी द बैक साइड ऑफ द फ्रंट साइड, द स्पेस लैग स्पेस यू कैन सी द बॉक्स स्पेस इज आल्सो इट्स वेरी गुड। इफ यू आर टेकिंग द मोर लॉन्ग ड्राइव, not that tired which you are will get in the another car. So these are the few features which makes you a loving car for this Honda City, particularly for this segment and for my this car. आपने वो सी गाड़ी कितनी चला दी अब तक? Approximately 40,000 किलोमीटर आपने चला दिए हैं। तो आप, मेरे ख्याल में कुछ लॉन्ग ड्राइव्स भी करते होंगे गाड़ी। मैंने काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स किया, और काफ़ी कंफर्टेबल और हिली एरिया में भी किया है, ट्रेन में भी किया है, इवन डेजर्ट में। यू कैन से द रिस्पांस ऑफ द कार इफ यू आर सीइंग पर्टिकुलरली फॉर दिस सेगमेंट इज आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड फॉर दिस कार। अच्छा, जब आप इसको हाईवे पे ले जाते हैं, वैसे तो नॉर्म्स बोलते हैं कि हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, कभी किया है चेक? हां, मैक्सिमम स्पीड 220 तक। 220 तक आपने चेक किया? हां, हमने एक्सेस पे 220 बट आप आगे भी ऐसी अच्छी ड्राइव करते रहे, लेकिन प्रिकॉशन सेफ्टी सबके साथ में। और कुछ इस गाड़ी से कुछ बढ़िया यादें जुड़ी होंगी आपकी? कुछ आपने स्पेशल कराया गाड़ी का? इस गाड़ी में मैंने कई चीजें स्पेशल अपने उससे कराई हैं, कि जैसे इस गाड़ी में एक फीचर मतलब लविंग कार थी, तो हर ऑर्गन और उसको एक वाइटल ऑर्गन की तरीके से स्पर्शिक करते हुए, गाड़ी के हर वाइटल पार्ट पे यहाँ पर गाड़ी का नंबर है। लाइट्स पे इफ यू सी ऑन रिम इज देयर वन, ओके, इफ यू सी ऑन मिरर दिस मिरर
मतलब आपने सारे पार्ट्स गाड़ी के सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, गाड़ी के नंबर के साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, ताकि आपको किसी भी सर्विस सेंटर किसी भी जाने पे ये इनसिक्योरिटी ना होगी कोई आपके पार्ट चेंज करेगा या उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा। बिकॉज आप होंडा के ओरिजिनल पार्ट ले सकते हैं, बट जो कार के साथ में कंपनी देती है ना, उसकी ओरिजिनलिटी मेरे समझ से जो एक जो परफॉर्मेंस नहीं नहीं वो बेस्ट डेफिनेटली जो आपकी कंपनी में गाड़ी में फर्स्ट टाइम पार्ट जो लगता है और जो आप बाद में स्पेयर पार्ट देते हैं, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। आई डेफिनेटली एग्री विद यू, होता है डिफरेंस तभी वो, क्योंकि वो इवन उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अलग ही होती है। तो अगर आप इतना ज़्यादा ज़्यादा अपने ओरिजिनल पार्ट को संभाल के रख पाते हैं तो उतना अच्छा है। दूसरे काफ़ी फीचर्स ऐसे इसमें हैं, जैसे इसका वो सेंसर और क्रूज कंट्रोल जो इस सेगमेंट की अदर कार्स में है, तो आप खाली हैंड सेंस से ही कार को वो कर सकते हैं। अच्छा, इस मॉडल में आपके लिए सनरूफ भी मिल जाती है? इस मॉडल में मेरे इसमें सनरूफ भी रहती है। इसके पास हमारे MID पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसमें? यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, वैसे होम स्क्रीन पे आता हूँ, रेडियो, FM और ब्लूटूथ, और आप अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं सारे फीचर्स हैं, एक्सेप्ट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, कोई भी वीडियो ड्राइविंग के टाइम पे। हाँ, वीडियो तो रेस्ट ऑफ द फीचर्स जो सारे फीचर्स हैं और काफ़ी फीचर्स और क्लोज टू देयर स्पेसिफिकेशन और काफ़ी शार्प हैं। एज आई टोल्ड, द ड्राइविंग कम्फर्ट एंड यू कैन फील द केबिन साउंड। केबिन में जरा भी आपको मैकेनिकल या कोई भी इंजन का ऐसा साउंड नहीं आता है जो आपको उस चीज़ के लिए डिस्टर्ब करे या अनोइंग हो, जो इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। डैशबोर्ड उस पर आते हैं, जनरल फीचर से। इसके अलावा वन मोर तो बेस्ट द ऐप फीचर, इफ़ यू विल लिंक द फोन, रेडियो, SSD कार्ड, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी मैक्सिमम वी आर हैविंग, सो दैट्स दे आर गिविंग इन दैट पार्ट। ब्राउजर, ब्लूटूथ एंड ऑल द नेविगेशन, नेविगेशन इज क्वाइट गुड एंड इट गिविंग ए वेरी शार्प इन दैट प्रोस्पेक्टिव। Okay, and the rest of the things is same. You see, you know, all the these are the thing here. The as I told for the sunroof, pretty good and giving a good experience in the cool weather. इसकी हमें MID पे क्या-क्या फीचर बन जाते हैं? Normally steering में तो आपको वही फीचर देते हैं। MID पे इसके आपके ABS और बैटरी और क्रूज कंट्रोल, ब्रेक और उन सभी के जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं, नॉर्मल सिस्टम टैग जो होता है वो सारा कुछ हो जाता है। ये आपका टेंपरेचर सेंसर, मेरा 35 डिग्री आउटसाइड टेंपरेचर निकाल रहा है, एंड यहां पे मेरे लिए एक एवरेज मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, मीटर मिल जाता है, और आप अपना जो नॉर्मल ट्रिप आप दो सेट कर सकते हो, ट्रिप 1 ट्रिप 2। ट्रिप ए जो मेरे अभी करंट में फ्यूल को देख रहा हूं कि अगर फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लूं ये कंप्लीट इस पे कितना आ रहा है, और सेकंड ट्रिप में ले रहा हूं, जब किसी ट्रिप को मैं ले रहा हूं सेकंड ट्रिप उसमें जा सकता हूं, और फाइनली ये आपका कंप्लीट मीटर बताता है। एवरेज आपका ट्रिप में आपको एक एवरेज पता लगता है किस एवरेज, अभी आपकी मतलब सिटी ड्राइव में आपको 12.4 का एवरेज मिल रहा है। अगर आप ऑनेस्टली मतलब बहुत रफली और वैसा बिहेव नहीं करते हैं तो 12 to 13 तक सिटी में आप निकाल लेते हैं, 19 तक इस टाइम मैंने घर पे 19 का एवरेज निकाला। 19 ऑन हाईवे पे आप अगर गाड़ी को थोड़ा प्यार से चलाते हैं, प्यार से चलाइए और आप उसे उसी वे में चलाइए, काफ़ी अच्छा है। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि रूरल एरिया में ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी या मुझे वहाँ पे दिक्कत आएगी, बट लकीली ऐसा नहीं ना, ग्राउंड क्लियरेंस इतना भी कम नहीं है और काफ़ी चीज़ों में परफॉर्म सही किया है, वहाँ पे भी मुझे सही उसमें रहा है, एक्सपीरियंस मेरा सही रहा है उसमें, और बैक सीट पे लेग स्पेस और उन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी चीज़ें। थाई सपोर्ट तो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, थाई सपोर्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही प्रॉपर कम्फर्टेबल मतलब बैठे हुए हम लोग। पीछे की जो सीट है ना वो इसके उधर उसके कंपैरिजन में और कंफर्टेबल है उसका लेग स्पेस, बट अगर पर्टिकुलरली मैं बोलूं इफ यू हैविंग ए ड्राइवर, इस गाड़ी का रियल मजा पीछे बैठने में है, चलाने में नहीं। ये बैठने में चलाने में नहीं है। नहीं, एक हमारे भी जानने वाले हैं जिनके पास एक क्रेटा भी है, एक होंडा सिटी भी है, अब वो ड्राइवर भी रखते हैं, तो जब उनको खुद चलानी होती है तो वो क्रेटा यूज करते हैं, और जब ड्राइवर के साथ जाना होता है तो होंडा सिटी यूज करते हैं। ये बात सही थी, क्योंकि होंडा सिटी है तो उसमें बैठ के जाओ, चलाने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, आप चला के उसको वो चीज एंजॉय
क्या नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये बैक रियर का बैक वाला कैमरा मिल जाता है। इस कैमरा हाउ कैमरा इज एक्यूरेट टिल नाउ आई हैव नॉट फील द एनीथिंग इन दैट बिकॉज़ ऑफ दिस आई डिडंट फील एनी, सो आई थिंक इट्स क्वाइट एक्यूरेट इन दैट पार्ट। जस्ट यू कैन टेक द एज पर योर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट द टाइप हाउ क्लोजर यू वांट टू गो, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सेलेक्ट द मोड व्हिच मोड यू वांट टू सेलेक्ट इफ यू आर गिविंग इन दैट पार्ट you are going closer so it will give you in that direction, so it's quite good. Voice control is already there, so that's a basic feature in that one, nothing new in that part. So from here I can take a phone or give the all disconnect or something like that. Voice and cruise control with the setup plus minus, I think cruise if I have taken on 50 again without disturbing cruise control, I want to increase the speed, then I can okay without touching the accelerator and all, from here only you can go the person there. So either acha jo sedan car mein logo problem hoti hai hamesha ye unko aage ya bonnet nahi dikhta, iski wajah se aajkal india mein log compact suv ka segment badhta ja raha hai, to aapko kahin wo kabhi feel hoti hai gaadi chalate hue? Nahi, waisa mere sath kabhi bhi itna wo nahi raha hai, ho sakta hai mujhe iska logic nahi samajh mein aane, kai blogs aur usme bhi padha ke bonnet dikhne ka logic iske piche kya hai, अगर आप एक बार उसे सेडान चला चुके हैं और उसका आपको एक आइडिया हो जाता है व्हील कितना टॉर्क लेता है, कितने पे उसे रोटेट होना है या कितना स्पेस है उसे कितना, तो उसके बाद आई डोंट नहीं, वो एक्चुअली देखिए आप तो इससे पहले दो या तीन गाड़ियां ऑन कर चुके हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं, जो पहली बार कार ले रहा है और जो नई नई जिसने ड्राइविंग सीखी है उसके लिए मे बी वो मैटर करता होगा, मेरे लिए भी पर्सनली मैटर नहीं करता गाड़ी का बोनट कितना भी दूर होता देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मुझे, क्योंकि आप अगर मतलब एसयूवी और एक्सयूवी उस सेगमेंट में जाते जहाँ पर बोनट दिखता है तो वहाँ से व्हील और उसके स्पेस की कैलकुलेशन कैसे है या कितना आइडिया हो जाता है, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट मुझे इस चीज़ को लेकर कभी इसमें नहीं हुई, बट हाँ हो सकता है ये ड्राइविंग में के लिए भी एक फैक्टर हो, बट मेरे लिए कभी इसके लिए कोई फैक्टर नहीं होगा। एंड मैंने इसमें मैटिंग करा रखी है अपने नीचे, बाकी वो आपने फुटपैड लगा रखे हैं, आपको फिनिश अच्छा मिल जाता है, सॉफ्टनेस आपको मिलता है उसमें, इंडियन स्टार स्टॉप मिल जाता है गाड़ी में को। दिस इज हियर यू कैन सी द सेंसर, इफ यू पुट योर की जस्ट पुट योर फिंगर हियर ऑटोमेटिकली इट विल बी ओपन, देयर इज नो सच एनी पुश और सम बटंस, ओके दिस इज कंप्लीट ह्यूज स्पेस, दिस फॉर स्टेपिंग इन आउट, दिस गगन जी थैंक यू, आपने हमें एक बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होंडा सिटी के बारे में पता चली होगी, तो मैं व्यूअर्स से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कमेंट करना है कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गगन जी, थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ, थैंक यू।